स्टडी वीजा के मुद्दे से मैं बनागा थोड़ी आवाज कंसल्टेंट पूछांगे सीधे सवाल ते तुहानू मिलणगे थोड़े सवालों के जवाब। सत श्री अकाल, स्वागत है जी सारिया दा। अज गल करांगे कैनेडा 5.5 बैंड वाले जिहड़े स्टूडेंट्स ने उन्हां दा लेटेस्ट अपडेट की है, कैनेडा किस तरीके नाल रिस्पोंड कर रहा वा, ते जिन्हां ने हजे फाइल लगानी है उन्हां दे जे 5.5 बैंड ने तो वह किवें प्रोसीड करन, की फाइल लगान, रुकन, सोचन या कुछ एक्सट्रा मैजर्स लैन। सब तो पहला स्वागत करते हैं साढ़े अज के गैसट ब्रॉडवे इमीग्रेसन के सीनियर कंसल्टेंट जगप्रीत सिंह जी का, स्वागत है जी। थैंक यू दीपक जी। सो जगप्रीत जी, तुसीं लेटेस्ट ट्रेंड देखे होने कैनेडा दे, एक विच 5.5 बैंड ने जिन्हां दे उन्हां दे रिजल्ट दा की सिनारियो है, की अपडेट? देखो दीपक जी, प्रेजेंटली अगर मैं कैनेडा दे ट्रेंड्स दी रिजल्ट्स दी गल करां, इस तो बाद मैं 5.5 बैंड दे उत्ते जरूर करांगा क्योंकि इस वेले सब तो ज़्यादा क्रूशियल सिचुएशन 5.5 बैंड वाली है। प्रेजेंटली रिजल्ट जड़े ने रेगूलर आ रहे हैं, नवंबर मंथ आ चुका है। अगर मैं रिजल्ट गल करा कि स्टूडेंट्स का आ रहा है, वो एप्लीकेशन अगस्त और सपटेंबर के लॉज हुई सी, मैक्सीम रिजल्ट उन्होंने मिल रहे हैं एंड उन्हों एप्लीकेशन मैक्सीम पॉजिटिव रिजल्ट SDS के मिल रहे हैं, यानी कि 6 ईच कैटेगरीज के। इस तो बाद कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अक्टूबर फाइल्स कंप्लीट कीतियां सी, उन्होंने हाले रिजल्ट नहीं आए, बट उम्मीद कर रहे हैं अगले 15-20 दिन के, यानी कि दिसंबर एंटर होंगे हुए वो भी रिजल्ट आपां दिखण लग जाएंगे। हुण जदों आपां ट्रेंड की गल करांगे स्पेशली रिलेटेड टू एक मोड्यूल च 5.5, दो च 5.5 की तो गल ही नहीं करनी चाहिए दीपक जी। प्रेजेंटली अज के लाइव च भी मैनू एक स्टूडेंट मिलिया सी जिन्हें 6 ओवरऑल 2.5 से फाइल लाई एंड स्टूडेंट सैड मैं रिफ्यूज़ हो गया। सो यह अजकल एक बहुत ही की कह सकते हैं भी ये आउट ऑफ ट्रैक वाली गल है, मतलब 2.5 से तो जो स्टूडेंट ला रहे हो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, 1.5 यह थोड़ा जहा इस वेले कन्फ्यूजिंग है। अगर तो थोड़े स्कोर रीडिंग दे विच या राइटिंग दे विच 5.5 ने तो दैट मीनस योर एप्लीकेशन इज़ एट रिस्क। सो डिपेंड है उस तो बाद थोड़े की अकैडमिक क्रेडिबिलिटी है एंड किदा दे अकैडमिक प्रोग्राम दे विच स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है। सो मैक्सीम रिस्क ते ने एप्लीकेशन जिन्हें रीडिंग या राइटिंग 5.5 ने। इस तो बाद गल आउंदी है स्पीकिंग और लिसनिंग नू लेके, सम हाउ इत्थे किते ना किते एक रिलैक्सड पॉजिटिव रिजल्ट मिले ने, वो भी डिपेंड है अगर कोई स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड तो है और एक बहुत जेनरिक प्रोग्राम च जा रहा जिदे विच इंग्लिश क्रेडिबिलिटीज़ ज़्यादा हायर स्टैंडर्ड्स दियाँ रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। सो वो कोई स्किल बेस्ड वर्क हैगा या वो एक जेनरिक प्रोग्राम है उत्थे किते ना किते, बट ओवरऑल गल करा तो हाल की घड़ी जिहड़ा ट्रेंड है वो एक मोड्यूल च 5.5 वाले लई थोड़ा जिहा रिस्की चल रहा जी, रिस्की चल रहा है। एक विच 5.5 बैंड ने जिन्हां दे, सो जिन्हां ने हजे फाइल लगानी है तो एक मोड्यूल दे विच 5.5 बैंड ने, उन्होंने की सलाह दो? देखो दीपक जी, एट प्रेजेंट बहुत सारा स्टूडेंट है जिहड़ा मे इनटेक दी है ना सिर्फ ऑप्शनस ऑप्शन खेड रहा है। मैं हर एक स्टूडेंट में एक चीज़ क्लीयर कर दिना कि हुण यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ने अपने डेडलाइन देने स्टार्ट करते हैं टू सबमिट देयर IRCC रिजल्ट स्टेटस, जिदे करके जिन्हां दे विच हाले रिजल्ट नहीं आया और उन्हां दी डेडलाइन आ गई है वो स्टूडेंट्स नूं या तो डैफर करना पवेगा या फिर ऑनलाइन क्लासेस लगाउणियां पैणगियां। बट इस पॉइंट ऑफ व्यू नाल जिहड़े स्टूडेंट हाले 1.5 ने या PTE दे नाल अप्लाई कर रहे हैं लोअर बैंड स्कोर्स दे नाल लोअर पॉइंट्स दे नाल, वो सारे स्टूडेंट नूं मैं एडवाइस कर दिंदा कि आने वाला समा अगर यह और महीना क रिजल्ट इदा के चले तो मैं एक चीज़ क्लीयर होंगी आ रही है कि आने वाले समय के 6 ईच ही प्रैफर्ड एप्लीकेशन रहेगी फॉर द वीज़ा, राइट। सो जिन्हें हूँ 5.5 ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एडमिशन प्रोसैस में स्टार्ट कर लें, एडमिशन कन्फर्म कर लैन, उस तो बाद नाल दी नाल पैरलल दे विच अपने IELTS दे स्कोर या PTE दे स्कोरस नू इंप्रूव करन, ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिहड़े स्टूडेंट आने वाले समय दे विच अप्लाई कर रहे ने, चाहे वह फ्रैश अप्लाई कर रहे चाहे वह रीअप्लाई कर रहे, जिन्हां दे पहला स्कोर्स घट सी वो दोबारा सोचते हैं भी प्रोग्राम चेंज कर देंगे उहदे नाल शायद कुछ चीज़ां ऐड ऑन हो जूंगियां, IELTS दा की है इंप्रूव नहीं हुंदा, सो उहदे लई बैटर है फिर कैनेडा की बजाय UK अप्लाई करना। सो स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद थोड़ा गल बहुत ज़्यादा पसंद ना आए जे थोड़े 5.5 बैंड ने, पर रियलिटी है एक रिफ्यूजल हासिल करन नालों तुसी मैनूं लगता जे जगप्रीत जी की गल मन के थोड़ी जी होर मेहनत कर लो IELTS ते तां थोड़े बहुत वड्डे लैवल ते फायदे च रहूंगी। धन्यवाद। थैंक यू जी। स्टडी वीज़ा के मुद्दे पर मैं बनागा
ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ।